सऊदी अरब के मक्का में होने वाले हज यात्रा पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि इस साल की हज यात्रा में कोरोना महामारी की वजह से देश के 60,000 टीका लगवा चुके लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर और तीसरी लहर की आशंकाओं की वजह से दूसरे देशों के लोगों को हज यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में शनिवार को कहा गया कि इस साल का हज जो जुलाई के मध्य से शुरू होना था उसमें सऊदी अरब के 18 से 65 साल के वैसे लोगों को ही जाने की अनुमति होगी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। बता दें कि हज को मुस्लिम धर्म के लिए एक बेहद पाक यात्रा मानी जाती है जिसमें अक्सर यात्रा पर जाने वाले दुनिया के अलग अलग देशों के यात्रियों के लिए भारी भरकम खर्चा भी करना पड़ता है। आमतौर पर 2 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इस यात्रा के लिए सऊदी अरब आते हैं। मुस्लिम धर्म की मान्यता के अनुसार सभी सक्षम मुसलमानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करना आवश्यक होता है। मान्यता के अनुसार इस यात्रा से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। बता दें कि पिछले साल कोरोना की वजह से सऊदी अरब में रहने वाले मात्र 1,000 लोगों ने ही पिछले साल हज में हिस्सा लिया था। हज को लेकर बीमारियों का प्रकोप हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। तीर्थयात्रियों ने 632 में मलेरिया के प्रकोप से लड़ाई लड़ी। 1891 में हैजा से करीब अनुमानित 20,000 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 1865 में भी हैजा से 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसी के मद्देनजर हज के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए सऊदी अरब ने इस मद में खर्च को बढ़ा दिया है। सऊदी अरब ने 2012 और 13 में हज के दौरान अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया। इसके साथ ही सऊदी ने बीमार लोगों और बुजुर्गों से हज में हिस्सा न लेने का भी आग्रह किया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।